तो जैसा कि आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा कि कैसे हम सरवाइव करते हैं 100 डेज इन ज़ॉम्बीज के बीच में, अब आगे। उससे पहले क्या आपने गेम जी में खेला है? नहीं खेला तो आप गेम खेलते खेलते पैसे कमाने का मौका मिस कर रहे हैं। गेम जी पे फैंटेसी क्रिकेट तो था ही, और अब रम्मी और पोकर जैसे एक्साइटिंग कार्ड गेम्स भी खेलकर आप चंद मिनटों में लाखों जीत सकते हैं। और अगर ऑफिस कॉलेज के ब्रेक में रिलैक्स करना हो तो लूडो पूल कैरम जैसे आसान गेम खेलकर अपने रिलैक्सी ब्रेक को पैसे के ब्रेक में कन्वर्ट कर दो। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, रम्मी में पहली बार कुछ बड़ा हो रहा है गेम जी में। अभी कभी आपने नहीं सुना होगा, जी हाँ, गेम जी में 0% कमीशन रम्मी स्टार्ट हो गया है। उसका मतलब कि अगर आप गेम जी में रम्मी खेलते हैं तो प्लेटफॉर्म कमीशन कुछ नहीं देना है, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा सीधे पॉकेट में। और यही नहीं, आपके जीते हुए पैसे आप पेटीएम IMPS बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं 5 मिनट में। और अभी साइन अप करते हैं तो आपको मिलेगा 10,000 का साइन अप बोनस। भाई और क्या चाहिए, ये लो मेरा कोड, एक्स्ट्रा 50 रुपए डालो और पाओ 100 रुपीज का बोनस। कोड है YT50, नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करने पर आपको टाइम टू टाइम ऑफर्स भी मिलेंगे। तो बस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो और शुरू हो जाओ। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तो ब्लड मून की नाइट को सर्वाइव करने के बाद मैं नोटिस करता हूँ कि अब ज़ॉम्बीज की पावर बहुत ही कम हो चुकी है, एंड आल्सो अब ये बहुत कम स्पॉन हो रहे हैं। बट सेकंड ब्लड मून जब आएगा, यानी कि डे 200 को, तब इन सभी की पावर फिर से वापस आ जाएगी। और इसके बीच में हमारे पास है टोटल 100 डेज, सो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करूंगा, यानी कि इस जंगल से, वो भी इन 100 डेज में। बट ये काम इतना भी आसान नहीं, क्योंकि इस जगह को घेर रखा है चारों तरफ से 4 बायोम्स ने। पहली मशरूम बायोम, जहाँ का बॉस है फेरस। दूसरी प्लेन्स, और यहाँ का बॉस है बरोका द सनचीप। तीसरी स्नो बायोम, और यहाँ का बॉस है फ्रॉस्ट माउ। चौथी दी अननोन, और यहाँ की सबसे बड़ी बायोम है ये। बट लेकिन कोई भी नहीं जानता कि ये क्या चीज है और यहाँ पे कौन सा बायोम है। और हमें बचाने के लिए कोई तभी आ सकता है जब हम इन 3 बॉसेस को पहले मारेंगे, और यहाँ से एस्केप करने के लिए हमें इन 3 को मारना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे के शुरू होते ही मैं बिना टाइम वेस्ट करे इन बॉसेस से फाइट करने के लिए तैयारियां करना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोटेक्शन और डैमेज को बढ़ाने के लिए एन्चेंटमेंट्स करना शुरू करता हूँ। और एन्चेंटमेंट करते करते मेरा एनविल भी टूट जाता है, इसीलिए मैं एक नया एनविल क्राफ्ट करने के लिए थोड़ी बहुत आयरन ओर्स को स्मेल्टिंग के लिए रख देता हूँ। और एक्सपी कलेक्ट करने के लिए अपने बेस के नीचे जितने भी ज़ॉम्बीज स्पॉन हुए होते हैं उन्हें मारने के लिए चला जाता हूँ। बट यहाँ पर ज्यादा ज़ॉम्बीज स्पॉन नहीं हुए थे, इसीलिए मैं थोड़े बहुत जो ज़ॉम्बीज थे इनको मार के वापस आ जाता हूँ। और बहुत सारी बुक्स पे एन्चेंटमेंट करने के बाद मेरी बुक्स खत्म हो जाती है, और मैं अपने शुगर केन फार्म को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर देता हूँ। और मैं नोटिस करता हूँ कि मेरा आर्मर भी पूरी तरीके से टूटने वाला है, और उसको रिपेयर करने के लिए हमें डायमंड चाहिए होंगे। बट मेरे पास सिर्फ 6 डायमंड थे, जिससे मैं अपना हेलमेट और अपनी लेगिंग्स को रिपेयर कर लेता हूँ। बट चेस्ट प्लेट और बूट्स को रिपेयर करने के लिए मुझे अभी और डायमंड चाहिए थे, इसीलिए मैं थोड़ी बहुत माइनिंग करना शुरू करता हूँ। और थोड़ी दूर ही स्ट्रेट माइनिंग करने के बाद मुझे मेरा पहला डायमंड और मिल जाता है। और इनको फॉर्च्यून 3 से माइन करने के बाद मुझे मिलते हैं टोटल 14 डायमंड्स, और मैं अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ। और एक स्ट्रेट वे में माइनिंग करते करते मुझे फिर से 1 डायमंड का वीन मिलता है, जिसके बाद मेरे पास हो जाते हैं टोटल 32 डायमंड्स, और वापस से मैं अपनी स्ट्रेट माइनिंग को फिर से कंटिन्यू करता हूँ। और इसके बाद मैं जो माइनिंग करता हूँ उसमें मुझे टोटल 5 बार और डायमंड की वीन मिलती है, और इन वीन्स को माइन करने के बाद मेरे पास हो जाते हैं टोटल 1 स्टैक एंड 20 डायमंड, और इनको लेके मैं अपने घर पे वापस आ जाता हूँ। और बेस पे वापस आके मैं अपने सारे आर्मर एंड टूल्स को रिपेयर करता हूँ इन डायमंड से। बट एक्सपी कम पड़ जाती है, इसीलिए मैं थोड़ी बहुत एक्सपी कलेक्ट करने के लिए नेदर में जाता हूँ और एक्सपी कलेक्ट करना शुरू करता हूँ। बट थोड़ी देर ही एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है, और मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं इसको नेदर पोर्टल से अंदर की तरफ ले जाऊँ। और मैं इसको पास बुला के इसको नेदर पोर्टल के अंदर ले जाने की कोशिश करता हूँ, और ये नेदर पोर्टल के अंदर चला भी जाता है। लेकिन मैं जब उस तरफ जाके देखता हूँ तो ये मर चुका होता है, यानी कि हम नेदर पोर्टल से किसी भी ज़ॉम्बीज या मॉब्स को उस तरफ पे लेके नहीं जा सकते। और मैं अपने टूल्स वगैरह को रिपेयर करके निकलता हूँ इन बॉसेस की खोज में, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ट्रैवल करने में ही लगने वाला था, बिकॉज ये बायोम्स बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं और हमें हर मॉब को ढूंढना भी पड़ेगा। इसीलिए मैं सबसे पहले चलता हूँ मशरूम बायोम की तरफ, और मशरूम बायोम मेरे बेस के बस थोड़े ही दूर थी, इसीलिए मैं बहुत जल्दी मशरूम बायोम पे पहुंच जाता हूँ। और अब बारी थी फेरस को ढूंढने की, और फेरस रहता है मशरूम केव्स में, और मशरूम केव्स हमेशा स्पॉन होती है मशरूम बायोम के आगे। और थोड़ी देर ही ढूंढने के बाद मुझे एक अजीब सी सॉल सैंड भी मिल जाती है, जिससे अलग अलग तरीके की सॉल निकल रही होती है, और मैं वहां पे ही डिग डाउन करना शुरू करता हूँ।
और थोड़ी देर ही डिक करने के बाद मुझे फेरस की हेल्थ बार भी दिखने लगती है। इसका मतलब हम बिल्कुल सही जगह पे आए और फेरस यहीं कहीं पे है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से मशरूम केव में पहुंचता हूँ और उसको ढूंढना शुरू करता हूँ। और वहाँ पे मुझे एक अजीब सा स्ट्रक्चर मिलता है जो कि कुछ रूम टाइप का लग रहा था, बट जब मैं उसको डिक करता हूँ तो उसके अंदर होता है फेरस। और मैं उसको देखते ही उसके ऊपर अपने डायमंड बो से एरोज मारने की कोशिश करता हूँ, बट उससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो नींद से भी नहीं उठता। बट जैसे ही मैं उसके पीछे जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि उसकी पीठ पे एक सॉर्ड लगी हुई है और मैं उसके आसपास घूम रहा था, इसी वजह से उसकी नींद भी खुल जाती है और वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बट मैं सबसे पहले यहाँ से भागने का रास्ता बनाता हूँ जिससे ये जब भी मुझे मारने के लिए आए तो मैं यहाँ से भाग सकूं। बट ये पता नहीं किस चीज का बना था कि इसके ऊपर एरोज और सॉर्ड के अटैक्स का कोई डैमेज ही नहीं हो रहा था। और फिर जब ये एक अटैक करता है जिसमें इसकी एक्स फंस जाती है जमीन के अंदर, तब मैं इसके पीछे से अटैक करता हूँ और मुझे पता चलता है कि जिस जगह पे इसके डायमंड सॉर्ड लगी हुई है उस जगह पे अटैक करने से इसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ जाती है और हम सिर्फ उसी जगह पे मार सकते हैं। और 3 अटैक में ही ये फेरस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और ये फाइट बहुत ही ज़्यादा एपिक थी। और इसके बाद मुझे इसका एक्स और इसका हेलमेट भी मिलता है और जिसका डैमेज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और ये एक्स मुझे आगे के बॉसेस मारने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और यहाँ से बाहर आके मैं निकलता हूँ प्लेन्स की खोज में जो कि यहाँ से बहुत दूर है, और बहुत दिनों तक लगातार ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम प्लेन्स पहुँच जाते हैं। और प्लेन्स में कदम रखते ही मेरे ऊपर सूरज से बहुत तगड़े तगड़े अटैक होना शुरू हो जाते हैं, और इसका मतलब बरेको द सन चीफ यहीं पे है। और इसका सिर्फ नाम ही नहीं है बरेको द सन चीफ, ये असली में सन से बहुत सारे अटैक करवाता है मेरे ऊपर, और इसका विलेज भी होता है यहाँ पे। इसका मतलब इसके छोटे छोटे गोते गोते विलेजर्स भी होंगे और वो भी मुझ पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। बट मैं कैसे भी इसकी सन की रेस से बसते बसते इस तक पहुंचता हूँ और इसको अपना पहला शॉट मार देता हूँ। और ये ऊपर से सन से अटैक करवा रहा था और बाकी बचा कुचा काम पूरे कर रहे थे इसके गोते गोते, और ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। और जैसे ही मैं इनको मारता था ये भागने लगते थे, बट इस बार मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इसको सॉर्ड से मारूंगा। और जैसे ही मैं इसके पास जाता हूँ ये पता नहीं कौन सी पावर कलेक्ट करता है और मुझको उड़ा देता है दूर तक, बट मैं कैसे भी बच के फिर से इसके पास जाता हूँ और इस बार मेरा सॉर्ड भी लग जाता है, पर ये मुझे वापस से दूर फेंक देता है। और मैं ऐसे ही कर करके इसको 3-4 बार शॉट्स मारता हूँ, बट जब इसकी हेल्थ आधी से कम हो जाती है तो ये पता नहीं कौन सा अजीब सा अटैक करता है सन की मदद से, और इससे मुझे बहुत अच्छा डैमेज होता है, बट इतना भी ज़्यादा कुछ खास डैमेज नहीं होता। और इसके बाद मैं फेरस की इस एक्स से इसके ऊपर डैमेज करना शुरू करता हूँ, और फेरस की एक्स पड़ने के बाद तो ये बिल्कुल भी मुझे डैमेज ही नहीं कर पा रहा था और मैं इसको 3-4 शॉट्स में ही मार देता हूँ। और इसको मारने के बाद इसके सारे छुटकू विलेजर्स मास्क में बदल जाते हैं, और आल्सो मुझे इससे एक सन का मास्क मिलता है जो इसने पहन रखा होता है, और इसके छोटे छोटे बालकों के भी मुझे मास्क मिलते हैं। बट मैं इसके मास्क को पहन के ट्राई करता हूँ और मुझे पता चलता है कि ये सारे मास्क मेरी मदद करने वाले हैं थर्ड बॉस को मारने में, और वो बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाला है। तो मैं तुम लोगों को बाद में ही दिखाऊंगा कि कैसे मैं इन सब का यूज़ करके उस बॉस को मारूंगा जो कि है लास्ट और आखिरी बॉस। और मैं निकलता हूँ एक और लंबी खोज पे, और इस बार हमें ढूंढना था आइस बायोम जहाँ पे मुझे मिलेगा फ्रॉस्ट माउ। और उसी डायरेक्शन में लगातार ट्रैवल करने के बाद मैं स्नो बायोम में भी पहुँच जाता हूँ, और अब मैं अपने सारे मास्क को हाथ में ले लेता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा काम देने वाले थे इस फ्रॉस्ट माउ को मारने में, और ये पिछले 2 बॉसेस से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। और मैं सन चीफ का भी हेलमेट पहन लेता हूँ और सारे के सारे मास्क को अपनी इन्वेंट्री में एडजस्ट कर लेता हूँ। और मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मुझे उसकी हेल्थ बार दिखना शुरू हो जाती है, और मैं फटाफट से सारे अपने मास्क को कन्वर्ट कर देता हूँ गोते में। और अब जब मेरे पास ये हेलमेट है सन चीफ का तो ये सब मेरे लिए काम करेंगे, और जैसे ही मुझे कोई अटैक करेगा ये सब उसको अटैक करने लगेंगे, इसीलिए मैं सबसे पहले इन सबको स्पॉन करता हूँ और फिर इस बॉस पे अटैक करना शुरू करता हूँ। और थोड़ी देर में ये मुझ पे भी अटैक करना शुरू करता है, बट लेकिन ये इतना ज़्यादा तगड़ा अटैक करता है कि मुझको जमा ही देता है और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये जैसे ही अटैक करने लगता है मेरे सारे के सारे फॉलोवर्स इसको मारने के लिए इसकी तरफ जाने लगते हैं, और मेरा पीसी भी बहुत ज़्यादा लैग करने लगता है कि मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। और मैं थोड़ा दूर भाग के अपनी हेल्थ को फुल करता हूँ और सारे के सारे मेरे फॉलोवर्स को स्पॉन कर देता हूँ यहाँ पे। और मैं जैसे ही इसे मारने के लिए बढ़ता हूँ तो ये मुझे फ्रीज कर देता है, और ये बार बार मुझे फ्रीज ही करे जा रहा था, इसीलिए मैं इस पे अटैक करना शुरू करता हूँ जल्दी जल्दी से। और इसमें मेरी हेल्प करते हैं मेरे गोते गोते, और ये भी इसको बहुत तगड़े तगड़े अटैक्स करते हैं अपने टूल्स से, और ये मुझे बार बार फ्रीज कर रहा था जिसकी वजह से मैं इसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पा रहा था, बट मेरे गोते गोते इसे बहुत तगड़ा वाला डैमेज करते हैं, और एट द एंड गोते गोते इसको मार देते हैं, और गोते गोते के बिना मारना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। बट आखिरकार अब हमारे तीनों के तीनों बॉस मर चुके हैं,
और अब मैं निकलता हूँ अपने बेस की तरफ, क्योंकि कोई ना कोई अब मुझे बचाने के लिए यहाँ पे जरूर आएगा और मुझे बहुत जल्दी अपने बेस पे भी पहुँचना था। और दिन और रात लगातार ट्रैवल करने के बाद मैं 2-3 दिनों में अपने बेस के पास पहुँच जाता हूँ। और यहाँ पहुँच के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था। पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी थी, इसीलिए मैं फटाफट से सोने के लिए जाता हूँ। बट तभी मुझे पता चलता है ये है डेट 200 और कल के बाद सारे के सारे ज़ॉम्बीज फिर से ओवर पावर्ड हो जाएंगे और मैं फिर से इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में फंस जाऊंगा। लेकिन सुबह होते ही मुझे पता चलता है कि मेरे बेस के पास एक एरोप्लेन खड़ा हुआ है और वो मुझे बचाने के लिए ही आया है। और मैं तुरंत जाके उसके अंदर बैठ जाता हूँ और इसको लेके यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि अब ज़ॉम्बीज फिर से ओवर पावर्ड हो चुके हैं और वो मेरे एरोप्लेन को यहाँ से डैमेज भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं फटाफट से अपने एरोप्लेन को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। और एक एक करके मैं द स्नो, द प्लेन और द मशरूम बायोम के भी ऊपर से होके निकलता हूँ। बट अब बारी थी लास्ट और सबसे बड़ी बायोम की, जिसका नाम था द अननोन। और जैसे ही हम द अननोन के ऊपर पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है ये एक डिजर्ट है। और जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारे साथ कुछ ना कुछ अजीब होता जा रहा था। और तभी अचानक से एक सैंड स्टॉर्म आ जाता है और मेरा प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। और तभी